वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश के देवास में चोरों ने इस बार कुछ हट्टी कारनामा किया है। यहां औद्योगिक थाना क्षेत्र में शातिर चोरों ने मोबाइल नेटवर्क कंपनी का टावर ही चोरी कर लिया है। जी हां, उन्होंने इस घटना को मोबाइल कंपनी के कर्मचारी बनकर अंजाम दिया है। जमीन मालिक को कर्मचारी होने का परिचय देकर पूरा टावर ही खोलकर उड़ा दिया। इस घटना ने सभी को चौंका दिया है। सुबह मोबाइल कंपनी के असली कर्मचारी पहुंचे तो वे टावर को गायब देख वो चक्के रह गए थे। मोबाइल टावर की चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है और इसमें 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 35 लाख के रुपए जब्त किए हैं। देवास जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र में हुई इस चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने अहम जानकारी दी है और बताया है कि आरोपी कंपनी के कर्मचारी बनकर शिप्रा स्थित एक कॉलोनी में पहुंचे थे और वहां चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जहां उन्होंने पूरे टावर को खोलकर ही साथ में लगे जनरेटर भी उड़ा लिए। चोरों से मोबाइल टावर का जो सामान बरामद किया है उसकी कीमत पुलिस ने 35 लाख रुपए बताई है। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। कंपनी के कर्मचारी बनकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। कंपनी के मालिक से भी आरोपियों ने कंपनी का कर्मचारी बनकर बात की है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की चोरी का यह पहला मामला सामने आया है। तो इसी तरह हर खबर के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ एमपी।